हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। अगर आप ए से लेकर जेड तक सभी स्टॉक के डिटेल एनालिसिस पर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम रिचा इंडस्ट्रीज कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस कंपनी की शेयर प्राइस 2.32 रुपये और एक दिन में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। पिछले 5 दिन में 12% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, एक महीनों में 8% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 6 महीनों में 37% के नेगेटिव रिटर्न, एक साल में 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न, 5 साल में 88% के नेगेटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 92% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। ऑलमोस्ट 150 रुपये का स्टॉक हमें 2 रुपये पे देखने को मिल रहा है। तो क्या इस कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो जैसा कि यहाँ कंपनी के बिजनेस एंड फंडामेंटल्स की बात करें तो ये जो कंपनी है यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग EPC और यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 5 करोड़ का है। स्टॉक का लो 1.80 रुपये, स्टॉक का ही 7.12 रुपये। बुक वैल्यू नेगेटिव हमें देखने को मिली 107 रुपये। ROC 16% नेगेटिव है। प्रमोटर होल्डिंग 59% की है। डेब्ट की बात करें तो 346 करोड़ का डेब्ट है। यहाँ बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सेल्स की, जो कि कंटिन्यूस हमें गिरते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप यहाँ देख सकते हो कंपनी का जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला, 5 करोड़ से ऑलमोस्ट 100 करोड़ का लॉस। ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स की बात करें वो भी हमें गिरावट में देखने को मिल रही है, 43 करोड़ से 35 करोड़। और यहाँ पे प्रॉफिट्स एंड लॉस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कंपनी को काफ़ी लॉस हो रहा है, 46 करोड़ का लॉस। यहाँ बात करें कंपनी के रिजर्व्स की तो कंपनी के रिजर्व्स भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हमें देखने को मिले, 275 करोड़ के। और बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी का बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला, 350 करोड़ का। यहाँ बात करें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 59% के स्टेक्स हैं। पब्लिक होल्डिंग 40% हमें देखने को मिल रही है, यानी ऑल ओवर इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहे हैं। BSE पर इस स्टॉक के एनालिसिस करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो कंपनी है 2013 में 50 पैसे का डिविडेंड दिया था, उसके बाद कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो जिस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है तो आपका पैसा यहाँ पे पूरी तरह डूब सकता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तो क्या आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे? क्या आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनी के शेयर हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों।